दौरत अच्छा बुढ़ापा मनाई हम जाई कहाँ अब हमारे पास तो यही सहारा रहा ना। हमारी मांग है हमारा घर के बदले हमको घर दिया जाए, हमको पैसे से लेना देना नहीं, हमको पैसे से कोई लेना देना, हमको 10 लाख रहे 14 लाख रहे या 14 करोड़ रहे हमको लेना देना नहीं, हमको घर के बदले हमको घर दिया जाए, हमको बताया जाए, हमको बेघर न किया जाए। आणि सगळ्यात मेन तर आम्हाला हे जे कारवाई चालू आहे ती थोडा वेळ दोन दिवसासाठी तरी थांबवा। ये रेलवे की तरफ से कार्रवाई हो रही है और जब ऐसे घर तोड़ रहे बोले बाहर सामान बाहर निकालो मैं तोड़ूंगा, जब बोलने में मारने को भी तैयार हो रहे वो लोग। अभी दिए 3 दिन का टाइम दिया फिर अचानक बोले कि सामान निकालो खाली करो कैंसिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। एक व्यक्ति अपने जीवन की पूरी कमाई मकान को खड़ा करने में लगा देता है ताकि उसका परिवार खुशहाल रहे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है विलालपाड़ा के महेंद्र चौल यादव के पास। आज यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई हो रहा है। यहाँ पर मौजूद अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ के रहवासियों का कहना है कि पिछले 10 साल से वो रह रहे और उनके पास यहाँ के जमीन से जुड़ उनके मकान से जुड़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे पहले जब उन्होंने घर खरीदा था तो उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन अचानक से उन्हें एक नोटिस आ जाता है और कहा जाता है कि सरकारी ज़मीन है, वो अपने घर खाली करें। लगभग 40 से 50 घरों को बेघर कर दिया गया। इसके अलावा तोड़क कार्रवाई के दौरान आक्रोशित महिलाओं ने पत्थरबाजी भी की। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ आपबीती सुनाई, ज़रा सुनिए। मैडम, हम 10 साल से इधर ही रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण हीरालाल गुप्ता है। कहा गया ये कार्रवाई जहाँ से हो रही है उनकी तरफ से क्या कहा गया और क्यों हो रही है? जब हमारा सर्वे हुआ तो हमको बोला गया कि आपका ये DFC में आपका रेलवे जा रहा है, रेलवे में आपका इधर से हम लोग जा रहे हैं बांधकाम जा रहा है, आपको घर के घर यार आपको रोक रकम दिया जाएगा 14 लाख रुपये जिसमें प्रस्तावित हुआ है दो उनके GR के अनुसार, तो हमको 14 लाख रुपये देने को बोला गया था। हमारा RTGS हमारा साल भर हो गया पेपर, हमारा बिलालपाड़ा तालाब पे हमारा पेपर जमा हुआ, इंक्वायरी इधर इंक्वायरी, हम लोग पालगढ़ CST बेलापुर, हमको इधर कभी उधर भेजते, बेलापुर जाते हैं बेलापुर वाले बोलते CST जाते अपना पालगढ़ जाते हैं, पालगढ़ वाले बोलते हैं आप CST जाओ पता करो, CST वाले जाते हैं तो CST वाले बोलते हैं आप जाओ पालगढ़ पता करो। हम आपका RTGS रिटर्न कर दिया गया, पालगढ़ आपका घर अपात्र है, 2013 के बाद का घर है, इसलिए आपको कुछ भी रोकर कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। हमारी मांग है हमारा घर के बदले हमको घर दिया जाए, हमको पैसे से लेना देना नहीं, हमको पैसे से कोई लेना देना, हमको 10 लाख रहे 14 लाख रहे या 14 करोड़ रहे हमको लेना देना नहीं, हमको घर के बदले हमको घर दिया जाए, हमको बताया जाए, हमको बेघर न किया जाए। बावजूद हमारा घर पट्टी है, मीटर है, सब कुछ डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद हमको पात्र किया गया, हमारा लिस्ट है हमारा जिसमें यादी में हमारा नाम भी है, जो कि उनके द्वारा उनके नोटिस दिया गया, नोटिस में हमारा अनुक्रमांक 137 नंबर पे उनके कलेक्टर के द्वारा दिया गया है कि आपको 110 बार पात्र करने आले होते पर आता तुम्हें DFCC के द्वारा जो सर्वे हुआ था उसमें आपका घर नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए आपको अपात्र किया जाता है। कविता कमलकर धुरी यांची मुलगी अंकिता कमलकर धुरी बोलते हैं। या लोकांनी सांगितलं होतं की जे पात्रमध्ये आहे त्यांना सर्वांना पैसे येणार, माझे घर आहे पात्रमध्ये आहे, माझं घर पात्रमध्ये आणि माझा रूम आहे 10x20 त्याचे मी 2 रूमसुद्धा केलेले नाही आहेत, तरी पण मला नोटीस जाहीर नोटीस आली आहे की माझे सदर बांधकामाचे 2 रूम केले आहेत, 2 बांधकाम केले अशी नोटीस आली आहे। आणि अशी नोटीस आली तर त्यांनी काय सांगितलं होतं, तुम्हाला जर मी अशी चौकशी करायला पालघरला नेहमी जायची, राजेंद्र शिंदे संदीप पवार या सरांकडे आमची कालपणसुद्धा मीटिंग होती, ते लोक काय सांगायचे काय तुम्हाला जर काही अडथळा आलास तर तुम्हाला आम्ही इथे कोर्टरूममध्ये सुनवाईला बोलवलं जाईल, पण त्यांनी आम्हाला काही सुनवाईला बोलवलं नाही, त्यांनी आम्हाला डायरेक्ट मला अडथळा आल्यास 2 महिने टाईम दिला जाईल, आम्हाला 2 महिने काय 1 महिन्याचा पण टाईम दिला नाही, जवळजवळ आठवड्याचा पण टाईम दिला नाही, तरी पण आम्ही नगरसेवका यांची मदत घेऊन आम्ही कालच संदीप पवार यांनी त्या सरांबरोबर मीटिंग केली तर त्यांनी काय सांगितलं, हा मला अर्जी दिले, मला सांगितलं तुम्ही अर्जी द्या हे दिली, म्हणजे हा आम्ही सर्वेकांना अशी यांनी कबुली दिली आणि तुमचं घर कोणाचं तुटणार नाही असं म्हणून सांगितलं। आणि आज आता तुमची मांग काय? आमची मांग आहे की आम्हाला आता घरच द्या, आम्हाला आता पैसे बिशे वगैरे काहीच नका देऊ, आम्हाला सर्वांना घरच द्या। आणि सगळ्यात मेन तर आम्हाला हे जे कारवाई चालू आहे ती थोडा वेळ 2 दिवसासाठी तरी थांबवा। हम लोग का मॅडम घर जबरदस्ती तोड रहे, बोल रहे आप निकलो मैं रूम तोड़ूंगा, जबरदस्ती खाली करवा रहे। किसी की तरफ से कार्रवाई हो रही है? यही रेलवे की तरफ से कार्रवाई हो रही है और जबरदस्ती घर तोड़ रहे, बोले बाहर सामान बाहर निकालो मैं तोड़ूंगा, जब बोलने में मारने को भी तैयार हो रहे वो लोग।
हम लोग जबरदस्ती करे रोग आके कैसा कर रहे तो भी लोग मार मार पीट भी उतारू हो गए। लेडीज पुलिस आके हम लोग कुछ आश्वासन दिया गया कुछ नहीं बोल रहे, खाली बोले रूम खाली करो बस। कितने सालों से यहाँ पर मैं इधर 14 से रूम ली हूँ, तब से मैं रहने वाली थी इधर, रहती नहीं है क्या? नहीं रहती थी इधर, गांव में भी इधर भी, घर में सास ससुर है उसको भी देखना पड़ेगा ना। तो जब उधर पाल घर जाते हैं इधर आते हैं पूछते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं मिलेगा मिलेगा आशा दिए, अब आखिरी में 5 तारीख के नोटिस दिए तोड़ने का। तो उधर गए आए तो रुक गया, अब आज 3 दिन का टाइम दिए, 3 दिन का टाइम दिया, फिर आप बोल रहे हैं कि अभी खाली करो तो सब था हो गया। अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी दिए 3 दिन का टाइम दिया, फिर अचानक में बोले कि सामान निकालो खाली करो, कैंसिल हो गया। कहा गया था पहले मिलेगा मिलेगा, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2014 में रूम लेकर तब का मैं घर पर है, घर पट्टी बना, मीटर लगा, और तब भी हमार नाम आई चाट में नाम आए तो हमारे बुला हुआ है। हम बिटिया बोले कि घर के बदला घर चाहिए कि पैसा चाहिए, हम कहे सर घर के बदला घर चाहिए इसमें। अच्छा तो बोले सबका पैसा मिले लगा, तो पर मार्च में बोले न कि पेपर जमा किया, तो अरे 23 मार्च के पेपर जमा किए है, 1 साल हो गया, दूसरा लग गए। अब का आएगा पैसा, घर पट्टी भर था, मीटर भर था, हाँ ये सब कहाँ से जाता। अब घर पट्टी 1500 रुपया कई तोड़ा था, अच्छा बुढ़ापा मनाई हम जाई कहाँ, अब हमारे पास तो यही सहारा रहा ना। 1 तारीख को नोटिस दिए और 4 तारीख को बोल रहे हैं खाली करने के। 8 साल से रहे मैडम, बोले कुछ नहीं बोले थे कि घर दे दिए, ये नहीं बोले कि ये सरकारी जमीन है, रेलवे जाएगी क्या जाएगा। घर पट्टी सब हम लोगों का भरा हुआ है और बीएल नंबर भी पड़ गया, उसके बाद कागज भी जमा कर लिए, साल भर हो गया, और अभी बोले पात्र में पैसा आएगा आपका, अभी बोल रहे हैं कि नोटिस दे दिए 4 दिन की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से, मतलब पालघर कलेक्टर ऑफिस से। क्या लिखित रूप में उन्होंने नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, अभी हम लोग कल गए थे तो बोले 4 लाख मिलेगा आप लोगों को, पवार साहब बोले कि 4 लाख मिलेगा अभी आप लोगों को, संदीप पवार, और अभी आज ही तोड़ने के लिए आ गए सब बुलडोजर लेके। जब जाते हैं तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि पैसा तुम लोग का मिलेगा, बिना पैसा लिए तुम लोग को घर नहीं तोड़ेंगे। जाते हैं तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि पैसा तुम लोग का मिलेगा, बिना पैसा लिए तुम लोग को घर नहीं तोड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं जब मेरे पापा लोग जाते हैं। तुम लोग के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, पालघर भी जाते हैं तो उन सर लोग का रोज छुट्टी ही रहता है, बोलते आज छुट्टी आज छुट्टी, आज यहाँ पे गए आज वहाँ पे गए, कभी मिलते भी नहीं, और जब मिलते हैं तो कहते तुम लोग का बिना पैसा दिए घर नहीं तोड़ेंगे, फिर भी आज आ गए तोड़ने। बीएल नंबर दिया गया है, घर पट्टी बनाया, घर का पेपर है, 2014 से घर का है, घर में हम लोग रह रहे हैं सब। मेरा नाम जाकिर राजवाली से। यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हो रही है, क्या क्या जानकारी देंगे, क्या किस कितना समय पहले आपको नोटिस दिया गया? हमको नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं दिया ये लोग ने, कुछ भी नहीं दिया हमने, जो जो मिला हमको अर्जी दिया हमने, उधर पालगढ़ में अर्जी दिया, इधर अर्जी दिया, संतोष भवन में अर्जी दिया, हर जगह में मैंने अर्जी दिया, लेकिन हमारा कोई कारोबार नहीं सुन रहा अभी तक। लेकिन ये रूम जो बिल्डर है ये तिवारी, सामने तिवारी, उसने अपना खाली नियम से पैसा निकल रहा है, हर लोगों को परेशानी उसने करा दिया, सबको परेशानी करा दिया, हर लोगों को जो रूम तोड़ा है उसने करा है, दिक्कत यही है। ये रेलवे तरफ रेलवे वाला जो है वो लोग ने नोटिस हमको दिया भी नहीं है, जबरदस्ती बोलता रूम खाली करो, हमने खाली कर दिया तो हमारे रूम में तोड़ा दिया, सामान बाहर कर दिया, हमने तोड़ा दिया। आपने इस बात की जानकारी बिल्डर को दी जिससे आपने घर खरीदा था? नहीं, बिल्डर तो हमारे पास मिलता ही नहीं, वो तो अपना पैसा निकाला भी, हमारा तो 7 लाख रुपया उसने निकाला भी। मेरा मांग है जो उनका हमारा जो पैसा है आता है वो हमको देना पड़ेगा ना, तुम्हारा लड़की को दो और किसका भी नाम पे दो, हमको वो देखना है। तो हमारा रूम का जो पैसा मिल रहा है सामने वाला दे रहा है उतना ही हमको लेने का ना, अगर उनका मान होएगा तो 50,000-20,000 अगर मांगता तो हम देगा उसको, हर लोगों को ऐसा पैसा खाने में काम करने के लिए होएगा। तो सुना आपने, रोते बिलखते रहवासियों ने अपनी आपबीती सुनाई, इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इसके बदले उन्हें घर दिया जाएगा और पैसे, लेकिन रहवासियों का कहना है कि इसके बदले उन्हें घर दिया जाए ना कि पैसे, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, फिलहाल उन्हें घर की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।